तो आपका नाम? धर्मेंद्र गुप्ता। आप जो मेडिकल स्टोर चलाते हैं, हाँ, तो इसमें जो वर्तमान में कोविड की बीमारी फैल रही है, वायरस जो फैल रहा है, हाँ, इस संबंध में मेडिकल स्टोरों का क्या रोल है समाज के प्रति और क्या कर रहे हैं? मेडिकल स्टोर वाले जो संचार लेते हैं वो अपनी तरफ से कोई गरीब होता है उनको फ्री में मास्क दे देते हैं, उनको सैनिटाइज करते हैं, उनके हाथों को बगल बगल में कहीं जाते हैं बैंक में या हॉस्पिटल में तो उनको सैनिटाइज करके उन सैनिटाइजर देते हैं, और तमाम बातें जो उनकी मतलब कि उनको समझाई जाती है, दूरी बना के रखो, डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी रहनी चाहिए आपको, कम बोलना भी चाहिए, बोलने की भी मना की जरूरत है, अच्छा कम बोला करें, और मास्क हमेशा मुंह पर लगा के रहें। अब तो कम हो गया, इस वजह से टीकाकरण भी होने लगा है, तब ये समस्या धीरे धीरे कम हो रही है, अब पहले की नहीं रही है। इसमें जब ये शुरू हुआ था पिछले साल मार्च से, तब से अब तक कितने लोग यहाँ से लाभान्वित हुए, कितने लोग मास्क ले गए या दवाएं ले गए होंगे? शुरू शुरू में जब ये चला था तब तो बहुत लोग आए, हर आदमी मास्क और सैनिटाइजर मांग रहा था, मगर धीरे धीरे जैसे इसकी जागरूकता थोड़ा इधर कैमरे की तरफ देखिए, जब इनकी जनता में जागरूकता बढ़ी, इनके टेस्ट शुरू होने लगे, तो जो निगेटिव आ रहे थे वो तो ठीक कोई प्रॉब्लम नहीं, पॉजिटिव आ रहे थे वो आइसोलेशन में गए, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट लिया, कुछ होम आइसोलेशन में भी रहे, इस वजह से अब धीरे धीरे कंट्रोल में, अब मुरैना में पॉजिटिव मरीज नहीं आ पा। अब अपने यहाँ जैसे अपनी जो दवा की दुकान है उससे अंदाजा लगता है कि कोविड से संबंधित कितने मरीज या दवाएं बिक रही हैं या मास्क बिक रहे हैं, तो उससे आपको अंदाजा रहता है, तो अब संख्या घटी या बढ़ी, क्या हुआ? नहीं, अब संख्या नहीं, अब संख्या बहुत घट गई है, अब तो नाम मात्र का भी नहीं है, एक भी केस नहीं निकल पा रहे हैं। अच्छा अच्छा और कोई विशेष बात आप बताना चाहेंगे जो सबके लिए लाभकारी हो या सबके काम आए? बस यही, अभी थोड़ी सावधानी रखनी है, जब तक ये टीकाकरण काम पूरी तरह से नहीं हो जाता है, उसके बाद जब सभी जनता में जागरूकता तो है ही और ये सुरक्षित हो जाएंगे, पर ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आयुष्मान योजना के अंतर्गत जो मरीज रहते हैं जिनके पास में कार्ड रहता है, उनको दवाएं भी इसमें मिलती हैं क्या आयुष्मान योजना में? नहीं, दवाएं नहीं मिलती है इनको, ट्रीटमेंट मिलता है फ्री हॉस्पिटल से, बड़े हॉस्पिटल जो आयुष्मान योजना। अच्छा, तो उनको दवाएं वगैरह खरीदनी पड़ती हैं? दवाएं वगैरह सब वहीं से मिलती हैं। अच्छा, वहीं से मिलती हैं, ठीक है। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका नाम? शिवम गुप्ता। शिवम गुप्ता, इस बारे में कोविड के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बस यही है कि अपने सैनिटाइजर रखें, आते हैं 2 गज की दूरी रखें और सावधानी रखें। अच्छा, पिछली स्थिति में और आज की स्थिति में कोई फर्क नजर आ रहा है? जमीन आसमान का फर्क है, पहले जो क्राइसिस था वो काफी हद तक कम हुआ है टीकाकरण की वजह से, अब कईयों लोगों को जागरूकता है तो इस वजह से सावधानी भी काफी है। अच्छा ठीक। हम इस समय पीताम्बरा लॉज के मालिक शैलेंद्र सिंह सिकरवार के सामने हैं। हाँ, तो शैलेंद्र सिंह सिकरवार जी, आप पहले तो थोड़ा कोविड के बारे में बताएं कि कोविड की वर्तमान में क्या स्थिति है और कोविड को लेकर के आप क्या सहूलियतें बरतते थे या बरत रहे हैं, पहले क्या हालात थे मुरैना शहर में और अब क्या है? पहले तो कोविड के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे मुरैना में, अब तो काफ़ी सुधार है, पर जनता इसके प्रति अभी बिल्कुल भी जागरूक नहीं है, बिल्कुल खुलेआम घूम रही है, ना कोई मास्क लगा रहा है, ना कोई कुछ कर रहा है, और सब अपन घूम ही चल रहा है। अच्छा, मुरैना शहर की कोई ऐसी 5 समस्याएं बताइए जो कि आपको लगता है कि समस्याएं हैं और उसकी तरफ प्रशासन का या किसी का ध्यान नहीं है उन्हें हल करने के लिए, जिनके प्रति आप ध्यान आकर्षित कराना चाहें प्रशासन का कि ये समस्याएं हल होनी चाहिए, ऐसी कोई 5 समस्याएं आप बताइए। पहले तो
की समस्या तो सीवर ही है मोड़ा जिले में, सीवर काम चल रहा है, इस पर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, खबर बहुत धांधली हो रही है। धांधली मतलब कैसे? भ्रष्टाचार हो रहा है। अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं बनाई जा रही है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, कोई भी मापदंड उसमें बिल्कुल नहीं है, सब गलत तरीके से काम हो रहा है। अच्छा, उसमें जैसे कि सीवर लाइन के नीचे एक प्लेटफॉर्म बिछाया जाता है आरसीसी का, और आसपास उसकी आरसीसी की दीवारें खड़ी की जाती हैं पाइप लाइन के, तो ये बनाई है क्या आप लोगों के यहाँ? नहीं बनाई, मिट्टी भर दी गई है, उसमें मिट्टी भी नहीं डाली गई है, इससे सारे रोड पक गए नीचे। अच्छा, नीचे चली गई। और जब सी पाइप का जैसे साइज गेज कुछ ये भी डिफरेंस है क्या? पतले पतले बहुत छोटे पाइप डाले गए सीमेंट के। सीमेंट के। अच्छा, और पांच चार समस्याएं और बताइए। सबसे बड़ी सफाई की समस्या है अपने मोरना जिले में, कहीं भी कोई भी वर्क काम नहीं कर रहा है, चारों तरफ देखो गंदगी और ढेर लगी हुई है। अच्छा, सफाई तो वो करते हैं, झाड़ू लगाते हैं तो वो सड़क चली जाती है उसके साथ उखड़ी हुई, क्योंकि आर सी सी की सड़क गड़बड़ बनती तो हाँ, और सफाई की गंदगी के ढेर लगे हैं, और क्या है? काफ़ी समस्या है हमारे जिले में। तीन और बताइए आप। तो तीन और बताए, समस्या तो जनता की बहुत है, उनको सुनने वाला कोई नहीं। सुनने वाला नहीं, शिकायत करती है जनता? बहुत करती है, कौन सुनता है। नगर पालिका में पानी की व्यवस्था देख लो, अपने गांधी कॉलोनी में देख लो, बाजार में देख लो, वाटर हाउस में देख लो, हर जगह पानी गंदा आ रहा है, कहीं भी नहीं है। लाइट की व्यवस्था देख लो, बिजली बिजली चाहे जब चली आती है, रात को चली गई, दिन में चली गई, कोई शेड्यूल नहीं है, बिल कोई नियम नहीं है। बिल तो आराम खराब आ ही रहे हैं, 15-15 हज़ार 10-10 हज़ार के बिल आ रहे हैं, मेरे घर का स्वयं 5 हज़ार बिल आ रहे हैं, मीटर के हिसाब से बिल नहीं आ रहा, मीटर के हिसाब से बिल नहीं आ रहा है। लॉकडाउन का पूरा बिल उन्होंने वसूला है, उल्टा सीधा। होटलों का भी, इसमें होटल हमारे बंद ही रहे, रस्ते में आगे खुले, पूरा बिल लगा के पहुँचाया, उल्टा सीधा बिल लेते हैं, 26 हज़ार रुपये बिल पहुँचा। सुनवाई कोई नहीं? पूरे लॉकडाउन का बिल 26 हज़ार रुपये। और सुनवाई कोई नहीं? कोई सुनवाई नहीं, आवेदन दे दिया है तो कोई सुनवाई नहीं है, 26 घंटे भी दुकान नहीं खुली है, अपनी मनमर्जी का काम करते हैं, चक्कर लगाते रहो। अच्छा, दो समस्याएं और बताइए कोई सी। तमाम समस्याएं जनता की समस्या है, राशन नहीं मिल रहा है टेम्पर आदमी को। क्या राशन? राशन नहीं मिल रहा है, फ्री वाला राशन बट रहा है, वो किसी को नहीं मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। खाद्य विभाग उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार मचा रही है। अच्छा, जितने भी समूह चल रहे हैं अपने यहाँ पर, हमारी 5 विभाग की समस्या, जितने भी समूह चल रहे हैं वो सब भ्रष्टाचारी के छिड़े हुए हैं। उनका खाद्य विभाग ढंग से काम नहीं कर रहा है, ग्राउंड पर खाना ढंग से बन रहा है, कहाँ पर बन ही नहीं रहा है, कहाँ पे? तमाम अपने पूरे जिले में देख लो, क्या जी जो वो है पोषण केंद्र, हाँ पोषण केंद्र में कहीं काम नहीं बन रहा है। और ये दीनदयाल रसोई, वो भी पहले की स्थिति पर है। अच्छा, 10-20 लोगों को खाना खिला के भगा देते हैं और नाम चढ़ा देते हैं बस। अच्छा, अब आपकी बची 5वीं समस्या बताइए। किसानों की बताइए या किसी की? किसानों का कोई तरह दूरी नहीं है, क्योंकि उनकी कोई सुनने वाला ही नहीं, क्योंकि आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से। हाँ यार, चीज़ कितनी महंगी है, देखो गेहूँ 1600 रुपये में डलाए, किसान गेहूँ कहाँ से देखे, उनने जो भर के रख लिया वो डंप का डंप भी बना हुआ है, कीड़े लग रहे हैं, बाजरा इतना महंगा बेचा, बाहर कहीं बेचने के पास जा नहीं पा रहा है। एक किसान को मेरे गांव से लाने में जाकर 1100 रुपये ट्रैक्टर का भाड़ा लगता है, सरकार ये कहती है आप ऑल इंडिया में कहीं भी ले जाओ, 1100 रुपये ट्रैक्टर का भाड़ा देने वाले आदमी को इतनी परेशानी आ रही है। लेकिन ऑनलाइन भी तो बेच सकता है किसान कोई आदमी यहाँ का, जैसे ऑनलाइन अपना एक व्यवसायी खड़ा हो जाए, युवा खड़ा हो जाए, वो सबका इकट्ठा करके वहाँ ऑनलाइन सेल कर सकता है, उसका भरोसा कौन करेगा, चलो पैसे लेके भग गया, फिर क्या होगा। लोकल का आदमी रहे, उसी गांव का रहे या उसी ग्राम पंचायत, बहुत समस्या है किसानों को। अच्छा, ना आपको खाद मिल रहा है, ना आपको बीज मिल रहा है, अभी नहर पानी की समस्या बीच में रही थी, 15 दिन लेट आई थी जिसमें गेहूँ सूख गए, उसमें हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं की मेरे गाँव में भी ये दिक्कत रही पानी की, अभी दोबारा से फिर नहर आई है 20 दिनों बाद, जब सारे अधिकारी से बात की गई, फिर 20 दिन पानी लेट आए, जब तक 3 पानी लगाने चाहिए, अब दूसरा लगा रहा है। ये तो 5 बातें हुई,
आप कुछ अपनी तरफ से कहना चाहें वो कहें, क्या कहें, जो भी कहना हो, जो संदेश देना चाहें, सरकार का ध्यान इसको होना चाहिए। आप एक व्यवसायी हैं, कैसे लोग यहाँ के रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, व्यवसाय में काम कर सकते हैं, आपके पीछे एक अनुभव, आपको आगे आगे मेहनत करनी पड़ेगी, खुद ही अपने तरीके से काम करना। युवा डरता है सरकार के भरोसे ना, सरकार के भरोसे ना रहे, सीधी बात है, और लोन वोन के भरोसे ना रहे, बिल्कुल ना, तो फिर काम कैसे करें लोग, खुद अपने व्यक्तिगत ध्यान से करें, छोटे स्तर से बड़े स्तर पर आए, मेहनत करें, वर्क करें, ठीक।